स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? ए 21 जून, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। आंसर डी 8 मार्च। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? ए साहित्य महोत्सव, बी कथोत्सव, सी साहित्योत्सव, डी काव्योत्सव। आंसर सी साहित्योत्सव। एक्सप्लेनेशन, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य जगत के 1100 से अधिक लेखक और विद्वान भाग लेंगे। इसके अलावा 175 भाषाओं के भाषाविद कार्यक्रम में अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी सुधा मूर्ति, सी अजय सिन्हा, डी उदय कोटक। आंसर बी सुधा मूर्ति। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए जैसलमेर, बी अल्मोड़ा, सी उधमपुर, डी श्रीनगर। आंसर ए जैसलमेर। एक्सप्लेनेशन, भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए यूएई, बी ब्राजील, सी स्वीडन, डी अल्बानिया। आंसर सी स्वीडन। एक्सप्लेनेशन, यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी।